12 स्टेट ऐसे हैं जहां इनके ज्योति जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, सोमनाथ भारती कुछ बोल रहे हैं सुन लेते हैं। बड़ा अपने न्याय के लिए, उसके लिए आपको शर्मिंदगी नहीं है। आप आज बदहवासा में हैं, आज आप निराशा में हैं कि देश परिवर्तन के लिए, देश ऐसे सरकार के लिए वोट कर रहा है जो इस देश के अंदर महंगाई का, बेरोजगारी का समाधान लेकर के आए। सर बीजेपी कह रही है कि 7 की 7 सीटें दिल्ली में क्लीन स्वीप कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए मुरारी लाल घसीन सपने क्या होते हैं, यही होते हैं। अगर काम किए होते आपने तो आते, काम नहीं किया तो नहीं आएंगे। दिनों से आप सर के साथ प्रचार में लगी हैं, आज मौका आया है वोट करने का और कुछ दिन बाद रिजल्ट आएंगे, क्या लग रहा है आपको? जी इस बार का जो ये हमारा इलेक्शन है ये स्पेशल है। ये स्पेशल क्यों है कि ये संविधान बचाने के लिए है, ये हमारे डेमोक्रेसी बचाने के लिए है। तो इसलिए सबसे आग्रह हाजिर के विनती है कि सब बाहर निकलिए और वोट कीजिए। एक महिला होने के नाते जो भी देश की महिलाएं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा अडिग खड़े रहिए एंड बिलीव कीजिए, अपने ऊपर यकीन रखिए, सब ठीक होगा। तो सोमनाथ भारती को आप सुन रहे थे, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है और नई दिल्ली की सीट भी दिलचस्प है। दोनों वकील आमने सामने हैं, बांसुरी स्वराज बीजेपी से जबकि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से। हिमांशु सर आपके पास आ रही हूँ, मुझे याद है जब पिछली बार अधूरी रह गई, जाएंगे ज्योति जी के पास भी। हिमांशु सर जब पिछली बार महाराष्ट्र में 5वें चरण में जब महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही थी उस दौरान आपने प्रिडिक्शंस किए थे और आपने कहा था कि महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग होगी, आज दिल्ली को लेकर क्या आपके प्रिडिक्शन? दिल्ली की जनता चूंकि आज वीकेंड है, क्या राजनीतिक दल साथ ही साथ चुनाव आयोग कामयाब हो पाएगा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में, घरों से निकाल पाने में दिल्ली की जनता को? मुश्किल है, मुंबई जैसा हाल कुछ दिल्ली का होने वाला है। मेरा सीधा मानना है कि दिल्ली की प्रजा एक तरह से यू नो ये नाटकबाज जो राजकारणी आजकल नाटकबाज हो गए, नाटक ज्यादा करते हैं काम कम करते हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं दे रहा, मगर जब आते हैं कहते हैं तानाशाह को खत्म करने के लिए, अरे भैया सबसे बड़े तानाशाह लोकशाही के अंदर कौन होगा? जब मुख्यमंत्री है आप जेल के अंदर जा रहे हैं, कोर्ट का मामला चल रहा है, बोले मैं रिजाइन नहीं करूंगा। आम आदमी की समझ में बहुत कम चीजें आती है, आम आदमी परसेप्शन को देखता है, सामने देखता है। जो आदमी एक जमाने में कहता था कि मैं इस राष्ट्र से दिल्ली शहर से करप्शन को नाबूद करूंगा और वो करप्शन के अंदर पकड़ा जाता है, कोर्ट भी मना नहीं करता है कि उसने करप्शन नहीं किया, कभी किया तो कोर्ट उनको जेल में डाल देता है और फिर जेल में से अंतरिम जमानत पे बाहर निकलता है और आके बोलता है कि तानाशाह के खिलाफ, हाँ तानाशाह के खिलाफ वोट पड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तरफ गर्मी बहुत ज्यादा है, कुदरती गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है ना, अच्छा तो इसी गर्मी के बीच में हिमांशु जी, इसी गर्मी के बीच में सुबह 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गया है। यहाँ ओवरऑल अगर बात करें तो 25% से ज्यादा वोटिंग अब तक हुई है और अच्छी बात यह है।